पहले बड़ा फ्लूट पकड़ देंगे तो ठीक तरह से बजा नहीं पाएंगे, आपका फिंगर में पेन स्टार्ट हो जाएगा, फिंगर में ये शोल्डर में पेन हो जाएगा। बिगनर्स को कौन सी स्केल की फ्लूट चूज करना चाहिए? देखिए, जब बिगनर्स नया नया फ्लूट बजाना, बंसी बजाना सीखना स्टार्ट करते हैं, तभी सही स्केल की फ्लूट नहीं होने से ये बंसी वादन सीखने में रुकावट खड़ा करता है, प्रॉब्लम करता है, उंगलियों में पेन होता है, जब बजाते हैं साउंड हिसिंग साउंड आता है। इसलिए सही फ्लूट चूज करना बहुत ही जरूरी होता है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बंसी वादन सीखने वालों के लिए, इसलिए कौन सी स्केल की फ्लूट आप चूज करना चाहिए इस वीडियो में बताया हूँ, और क्यों करना चाहिए इस वीडियो में बताया हूँ। आइए, इससे पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। प्रणाम, मैं हूँ प्रदीप कुमार पाइक, संबलपुर जिला उड़ीसा के निवासी, बंसी का एक छोटा सा कलाकार जो आपको बंसी वादन सिखाने के दुस्साहस करता हूँ। अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। स्वागत करता हूँ मेरे और आपके इस चैनल प्रदीप कुमार पाइक द म्यूजिक पर, जहाँ पर मिलता है म्यूजिक रिलेटेड कई सारी लर्निंग वीडियो, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। दोस्तों, अगर आप म्यूजिक में रुचि रखते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, बंसी वादन सीखा करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और साइड में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज हम जानेंगे कौन सी स्केल की फ्लूट सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सी स्केल की फ्लूट चूज करना चाहिए बिगिनर्स को। फ्लूट सिलेक्शन करने की 4 कैटेगरी रहता है। पहला कैटेगरी है एज, आपका एज कितना हुआ है। अगर आप बिलो 15 या 14 हैं, जाहिर है आपका फिंगर भी छोटे छोटे होंगे। अगर आप बड़ा साइज का फ्लूट पकड़ेंगे, उसमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तो ये होल को आपका फिंगर कवर नहीं हो पाएगा। आपका जोश होगा, आपको बंसी बजाने की ये उत्साह जोश होगा, लेकिन आप बंसी ज्यादा समय तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आइए एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए मैं बिलो 15 एज का हूं, मेरा फिंगर बड़ा बड़ा फिंगर नहीं है, मैं बंसी बजाना सीखना चाहता हूं। जब हम ये होल को क्लोज करेंगे तो ये हमारे उंगलियों में पेन होगा। आपका मन करता होगा मैं बजा दूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन उंगली पेन करेगा। आप 5 मिनट 10 मिनट बजा के फिर रख देंगे। इसलिए बिलो 14-15 एज के बिगनर्स को डी शार्प स्केल की फ्लूट चूज करना चाहिए। मेरे हिसाब से बिलो 14-15 के बिगनर्स को डी शार्प की फ्लूट चूज करना चाहिए। डी शार्प स्केल फ्लूट कुछ दिन बजाने के बाद आप उसके पास जाइए सी शार्प को या नेचुरल सी को। देखिए, फ्लूट सी शार्प, डी शार्प, ये मिडिल ऑक्टेव की बोल रहा हूं मैं, छोटा फ्लूट। देखिए, छोटा फ्लूट है, इसको 14-15 एस की नीचे जो बिगनर्स हैं वो आराम से बंसी बजा पाएंगे। उसको होल को क्लोज करने के लिए कोई पेन नहीं होगा। इसको पहले से कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप उसके बाद थोड़ा ज़्यादा बड़ा बंसी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर रहा, होल को क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसमें प्रैक्टिस करके आपका फिंगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। नंबर 2, आपको बजाने में हिसिंग साउंड नहीं आएगा। क्या होता है कि कई बिगनर्स बंसी बजाने की इंटरेस्ट रखते हैं, अपने पास पैसा होता है, बड़ा बड़ा फ्लूट ले आते हैं, अब बड़ा बंसी को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनका फिंगर फ्लूट की होल को सही तरह से क्लोज नहीं कर पाता है, इसलिए फ्लूट में हिसिंग साउंड आता है। ऐसा गलती मत कीजिए, क्योंकि पहले हम साइकिल पकड़ेंगे, साइकिल को चलाना सीखेंगे, उसके बाद हम बाइक चलाएंगे। अगर हम पहले बाइक को चला देंगे तो गिर जाने की संभावना होता है। ठीक उसी तरह
पहले हम छोटे फ्लूट से बजाना सीखेंगे, उसके बाद थोड़ा और थोड़ा बड़ा फ्लूट बजाना सीखेंगे, उसके बाद बड़ा फ्लूट हम बजाएंगे। आशा करता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं। पहले डी शार्प के कुछ दिन प्रैक्टिस होने के बाद, ये 15 एज की बिगनर्स को मैं एडवाइस कर रहा हूँ, उसके बाद आप सी शार्प के फ्लूट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका एज भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आप बड़ा बड़ा फ्लूट बजा सकते हैं। नंबर रहा 2, आपका एज एबव 14-15 है, आपकी बंसी बजाने की इंटरेस्ट है, आपका फिंगर भी बड़ा बड़ा होगा, तो आप सी शार्प या सी स्केल की फ्लूट यूज़ कर सकते हैं। देखिए डी शार्प की फ्लूट है, ये थोड़ा ज़्यादा उम्र वाले बिगनर्स जो सीखना चाहते हैं, आप सी शार्प इसे थोड़ा बड़ा फ्लूट यूज़ कर सकते हैं। इसका होल भी, फ्लूट का फिंगरिंग होल भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आप उसको आराम से बंसी में पकड़ सकते हैं, बजा सकते हैं। इसको आप बंसी में बजाना चाहिए। अब क्या क्या बजाएंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे, अलंकार प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये प्रैक्टिस करना, कौन सी अलंकार प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक रहेगा। टोटल 0 बिगनर्स को इस वीडियो के टॉप कॉर्नर राइट साइड में एक आई बटन दिखाई दे रहा है, उसे क्लिक करेंगे तो आपको मैं जो पहले से वीडियो बना चुका हूँ, पहले बिगनर्स को कौन सा अलंकार बजाना चाहिए, फर्स्ट डे सेकंड डे बिगनर्स फ्लूट लेसन आपको दिखाई देगा, इसे आप देख के स्टार्ट कर सकते हैं। अब रहा मिडिल सी शार्प या नेचुरल सी को, आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे 5-6 महीना। अब इसको ठीक से प्रैक्टिस होने के बाद, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, इसी मिडिल स्केल की फ्लूट को आप बजाने से आपका हिसिंग साउंड कम आएगा, क्योंकि हिसिंग साउंड आने के लिए कुछ कारण रहता है। आपका ब्लोइंग ठीक नहीं रहेगा तो हिसिंग साउंड आएगा, ये होल को क्लोज नहीं रहेगा तो भी हिसिंग साउंड आएगा, एयरी साउंड आएगा, तो आपका मन भी फीका पड़ जाएगा बंसी बजाने सीखने में, इच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरे हिसाब से पहले नेचुरल सी शार्प इस फ्लूट को प्रैक्टिस कर सकते, प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद कुछ महीने प्रैक्टिस होने के बाद, इसके बाद थोड़ा और बास फ्लूट, बड़ा फ्लूट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सी शार्प से और थोड़ा सा बड़ा फ्लूट है, जी शार्प, बी फ्लैट, ये रहता है, इसका साउंड और थोड़ा डेप्थ बढ़ जाएगा, इसका साउंड थोड़ा गंभीर सुनाई देगा। इसको कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप स्केल ई को आ सकते हैं। बास फ्लूट से हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं, देखिए बास फ्लूट से प्रैक्टिस करने की ये कारण रहता है, बास फ्लूट को प्रैक्टिस करने से इसका साउंड गंभीर निकलता है, ज्यादा तीखापन नहीं रहता है, जो कोई सुनेगा उसको भी अच्छा लगेगा। देखिए फ्लूट की धुन, कोई भी स्केल का फ्लूट हो, इसका साउंड अगर अच्छी तरह से आप बजाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। बास स्केल के फ्लूट, ई बास फ्लूट अगर हम लेंगे, यूज बजाएंगे उसको, इसमें जो साउंड आएगा ये गंभीर आएगा। आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये बास फ्लूट दिखा रहा हूँ बजा के, देखिए ये ई फ्लूट है बेस की, इसका साउंड देखिए, देखिए इसका फिंगरिंग होल कितना डिस्टेंस में है।
जो बिगनर है नया नया बजाना सीखना चाहते हैं, उनका एज भी हो गया होगा, थोड़ा उम्र भी बड़ा हो गया होगा, वो बास फ्लूट बजाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बास फ्लूट बजाने में अगर ये फिंगर ठीक तरह से नहीं क्लोज कर पाएंगे, ठीक तरह से नहीं पकड़ पाएंगे, तो हिसिंग साउंड आएगा। इसलिए आपका चाहे जितना भी एज हो, जितना भी उम्र बढ़ गया हो, आप सी शार्प नेचुरल सी इसी स्केल की फ्लूट से आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ये बजा सकते हैं। क्योंकि जब हम कोमल स्वर निकालेंगे इस बड़े बड़े फ्लूट से, अगर हमारे फिंगर इसको कवर नहीं कर पाएंगे ठीक तरह से, जब कोमल स्वर बजाएंगे तो ये ठीक कोमल स्वर नहीं निकल पाएगा। ये मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। अब रहा हमें कौन सी ब्रांड की फ्लूट लेना चाहिए। देखिए, मैं कोई भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरी एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। मेरे जो फ्लूट रहता है दीपक सोनी जी का फ्लूट मैं बजाता हूँ, क्योंकि मेरे ब्लोइंग के हिसाब से उनका फ्लूट पूरा परफेक्टली मैच करता है। मेरे पास जो ऑफलाइन सीखते हैं उनको भी दीपक सोनी जी का फ्लूट परचेज करने की एडवाइस करता हूँ। आप कोई भी कंपनी का फ्लूट ले सकते हैं। आशा करता हूँ मैं जो बोलना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं, कौन सी स्केल के फ्रूट आपको परचेज करनी चाहिए, कौन सी स्केल की फ्रूट आपको चूज करनी चाहिए बिगनर्स को। ये डाउट आपका दूर हो गया होगा। सिंपल बात है, अगर आप बिलो 14 एज की हैं, डी स्टार को पहले पकड़िए, इसमें प्रैक्टिस कीजिए, कुछ दिन प्रैक्टिस होने के बाद सी स्टार उसका बड़ा बड़ा फ्रूट चूज कीजिए। अगर आप एबव 15 के हैं, मैच्योर हैं, 30, 35, 40, 50 जितना की एज भी की हैं, आप पहले सी शार्प या नेचुरल सी स्कोप में, पहले आप सी शार्प या नेचुरल सी स्केल में प्रैक्टिस कीजिए। ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाने के बाद, अच्छी तरह के प्रैक्टिस मतलब शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, इसको आप बजाना सीखिए। हो जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इससे थोड़ा बड़ा फ्लूट लेंगे। सी शार्प से थोड़ा बड़ा फ्लूट है बी फ्लैट, उससे थोड़ा बड़ा फ्लूट है जी शार्प, जी शार्प से थोड़ा बड़ा फ्लूट है एफ शार्प, ई, ऐसे करके धीरे धीरे जाइए। अगर आप पहले बड़ा फ्लूट पकड़ देंगे तो ठीक तरह से बजा नहीं पाएंगे, आपका फिंगर में पेन स्टार्ट हो जाएगा, फिंगर में ये शोल्डर में पेन हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा फ्लूट की होल को अच्छी तरह से कवर करके होंठ में लाने के लिए पेन होगा। आहिस्ता आहिस्ता करके छोटा फ्लूट से बड़े फ्लूट तक जाइए। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट के माध्यम से बोलिए, ये डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरा एक सुंदर सा वीडियो में, तब तक मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।